Excuse me. Hey, what's up? How's it? How's it? अधिकारियों के साथ और अभी अधिकारी आगे भी गया रहे मीडिया रहे सब लोग कंसर्निंग अधिकारी मिलेंगे। हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय रेल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ने कहा था रेल विकास का इंजन है, विकास का पहिया है। और ये पहली बार रेलवे यात्री अपना गंतव्य स्थान पर सुखद आनंद लेते हुए पहुंचे और उसमें स्वच्छता संरक्षता सरकार और रेलवे मंत्रालय रेलवे विभाग की गारंटी है और उस कटिबद्धता का निर्वहन करते हुए अभी देश के 675 हाई स्पीड वाईफाई लगाने का काम किया है, 9500 किलोमीटर नया ट्रैक बिछा है इस एनडीए की सरकार में। और अभी जो कैपिटल वर्क था 2.3 लाख करोड़ था, अब वो 3.83 करोड़ लाख करोड़ जो है। नई गति, नई योजना, नए कोचेस और सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ जीआरपीएफ इन सबको भी बहुत कटिबद्धता के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल जी जो पुनः इस सरकार में रेल मंत्री बने हैं और हम भी एक टीम का हिस्सा हैं, तो इसलिए आज हम लोग आए हैं कि यहाँ इस पर्यटक स्थल पर जो दार्जिलिंग अपने में चाय की बागान से यहाँ का प्राकृतिक जो सौंदर्यीकरण है, यहाँ देश के ही नहीं तमाम विदेश के कोने से भी यहाँ की दृष्टि देखने आते हैं। और हमारा उद्देश्य खाली ये कि यात्री पर्यटक प्लेस पर आए उसकी जो नंबरिंग संख्या बढ़े और संख्या बढ़े तो उसका रेवेन्यू भी मिले और यात्रियों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर पाए। तो इसलिए स्वच्छता की जो चीज़ें अभी कुछ देखी हैं, कुछ चीज़ें के लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अतिशीघ्र 15 दिन के अंदर चाहे वो स्वच्छता हो, सफाई हो और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन संतुष्ट है कि अधिकारी अपने तीव्र गति से गतिशील हैं और जो भी कुछ है उसे विद इन 15 डेज पूरा कर लेंगे। तो हम उसको मौके पे आकर के और जो ये जो टॉय ट्रेन है इसमें हमने यात्रियों से भी संपर्क करने का काम किया। यात्री भी कोई अभी बांग्लादेश से बता रहे थे, कोई यूपी कानपुर से बता रहे थे, कोई दिल्ली से बता रहे थे, कोई बॉम्बे से बता रहे थे, तो उनकी भी बात को हमने सुनने का काम ही नहीं किया, तुरंत उसका निस्तारण कराने का अधिकारियों से प्रयास किया। तो अच्छी जगह है और कुछ अच्छा बने, रेलवे की कटिबद्धता है और हम हमारे अधिकारी भी उस कटिबद्धता में पूरा प्रयास करेंगे। एक अच्छी टीम है अधिकारियों की और जगह जगह हम लोग लगभग 3 दिन के प्रवास में वो सारी चीज़ें दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ का लोकल चैनल है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बंगाल देश में नई सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, नई टीम बनी है और सरकार बनने के बाद बंगाल के सभी समस्त भाई और बहनों, सरकार किसी जात धर्म की नहीं होती, सरकार बनने के बाद सरकार सबकी होती है और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। नेता नेतृत्व के लिए होता है, वो किसी निहित स्वार्थों के लिए नहीं होता और हमको हर धर्म जाति का सम्मान करना चाहिए। राजनीति तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम तो एक गवर्नेंस, एक अच्छा गुड गवर्नेंस मिले इसके लिए होती है, लेकिन बंगाल के वासी
अपने भाईचारे से रहें और अच्छी तरीके से यह विकास हो, बाहर का पर्यटक भी आए, ऐसी मेरी उनसे अपील है कि अपने छवि को सुधारने का काम करें। किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण छवि को बिगाड़ने से विकास रुक जाएगा, लोग भी अवरुद्ध होंगे, युवा पीढ़ी भी विकसित होने की बजाय परेशान होगी। तो इसलिए समस्त भाइयों से अपील है, लोग जीत गए, सरकार बन गई, किसकी बन गई, लेकिन वो सबके लिए है। मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, राष्ट्रीय राजनीति में हूँ, लेकिन सबसे अपील हमारी सरकार बनी है और हमने भी बार बार कहना है सरकार बनी है, बड़ा फलदार वृक्ष झुकने के लिए होता है। हमारे साथी कार्यकर्ता बैठे उनको भी सबको कहा गया है प्यार से रहना है, सबके साथ मिलकर रहना है, तभी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त देशवासियों को। मैं इस दार्जिलिंग से नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। आगे का भविष्य देखिएगा और हमारी रेल गतिशीलता के साथ उसका विकसित पहिया इंजन आगे बढ़े, देश का विकास हो, हम सबका विकास हो। तभी तो कहा था मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।